एवरीबॉडी, मायसेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहाँ से चैप्टर में दिया हुआ है, पहले आपको बता दें कि सेक्शन से किस सेक्शन तक ये रिलेटेड है, 68 to 72 तक ये रिलेटेड है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी एनसन का, एनसन ने क्या कहा है वो देखिए, पहले मैं पढ़ के बताऊंगी फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी। विधि की किसी भी प्रणाली में कुछ परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि बिना किसी करार मतलब एग्रीमेंट के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए दायित्वहीन बनाया जाए। इसका मतलब कि लॉ में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना एग्रीमेंट के भी रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। दूसरी चीज, क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाए तो पहले वाला व्यक्ति धन या अन्य उस लाभ को प्रतिधारित कर सकेगा जिसका की विधि के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति अधिकारी है। कह रहे हैं कि अगर बिना एग्रीमेंट के हम दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तो लॉ की निगाह में अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक व्यक्ति उस धन को प्राप्त कर लेगा या उस प्रॉफिट को ले लेगा जो कि विधि के अनुसार इसका किसी और कोई और व्यक्ति उसका अधिकारी था। इसका मतलब वो मनी हमको मिलनी चाहिए लॉ के अनुसार, लेकिन कोई और व्यक्ति ले लेगा अगर उसको नहीं रोका जाएगा। तो इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की गई। यहां बिना किसी एग्रीमेंट के हम सामने वाले व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। एंसनी की एक और डेफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए हैप्पी टर्म। ये एक सुखद शब्दावली नहीं है, ये सुख नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम बिना एग्रीमेंट के जब दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो वो परिस्थितियां क्या होती हैं कि बिना एग्रीमेंट के जब हम दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं तो साबित करना पड़ जाता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमने बिना एग्रीमेंट के दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया। अब दूसरे जो आपके बन रहे हैं डेफिनेशन पोलक, और पोलक क्या कह रहे हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये एक आंदिक संविदा है, इस तरह की संविदा है कि जिसको लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में मान लेते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम इसको पहचान कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, राइट टू सम ऑफ मनी, सच ए राइट इज ऑलवेज ए राइट। ऐसा अधिकार, ऐसा करार, ऐसा अधिकार क्या होगा, सदैव धन के लिए होगा। ये मनी क्या हो सकती है, हमेशा फिक्स होनी चाहिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियां होती हैं कि हम मनी को क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि भाई उस समय फिक्स नहीं लेकिन बाद में हम फिक्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इम्पोज बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब करार द्वारा ना होकर ये क्या होगा, ये विधि के अधीन होगा। इसका मतलब इसमें एग्रीमेंट नहीं होगा, इसमें लॉ पूरी तरीके से इम्पोज करेगा कि ये आपके ऊपर इम्पोज होनी ही है। इसका मतलब जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये टॉट के करीब लगभग माना जाएगा कि जैसे टॉट में होता है उसी तरीके से ये उसके संबंध में कहा गया है। थर्ड चीज, राइट। अब किसके लिए राइट होगा, केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध होगा जो केवल स्पेसिफिक पर्सन होंगे। और जब हम राइट्स की बात करते हैं कि कोई अधिकार केवल एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लागू होता है, तब हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात याद आती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, केवल दो पार्टी होती है और जिस या तो एक पर्सन या दूसरा पर्सन, इसका मतलब कोई पर्सन होंगे या पर्सन होंगे, उन्हीं के खिलाफ ये राइट क्या माना जाएगा कि ये माना जाएगा कि ये राइट उनके खिलाफ यूज किया जाएगा। जब इससे कंपेयर करते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट के करीब माना जाता है। इस संबंध में हम कहते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इससे करीब में आ रहा है, संविदात्मक संबंध के लगभग समान माना जाएगा। अभी आपको मैं सेक्शन 68 डिस्कस करूंगी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया 68 to 72 है, तो एलिमेंट्स के बाद में एक एक सेक्शन को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सेक्शन 68 क्या कह रहा है, नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ है, अगर हम उनको लाइफ की नेसेसिटी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टी से उतनी मनी को रिकवर कर सकते हैं जितनी हमने खर्च की है। नेसेसिटी शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका एक्सप्लेनेशन समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो नॉर्मल नेसेसिटी होती है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, बच्चों की शिक्षा, अगर कोई अवयस्क उसके माता पिता की डेथ हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार, अगर किसी अवयस्क की बहन की शादी होनी है वो भी नेसेसिटी शब्द में आ जाएगा। इसका मतलब आवश्यकता शब्द बहुत विस्तृत है और इसकी परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पहले समझते हैं कि आवश्यकताओं को क्या है। आवश्यकताएं वो है जो हम उन चीजों को दे रहे हैं जो उसकी जरूरत के मुताबिक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एक लुनेटिक पर्सन है, उन्मादी व्यक्ति है, हम उसकी देखभाल करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी में से उतनी मनी को वसूल सकते हैं जितनी हमने उसके ऊपर खर्च की थी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक लुनेटिक पर्सन है, हम उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का मेंटेनेंस देते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी में से उतनी मनी को रिकवर कर सकते हैं जितनी हमने उसके ऊपर खर्च की थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ और चीजें हम समझना चाहें तो ऐसा व्यक्ति क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या माना जाता है, इनकैपेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, हमें केवल उसके जीवन की आवश्यकताओं की चीजों को ही देना चाहिए, जो उसकी नीड है, बेसिक नीड को ही पूरा करना चाहिए, हम कोई भी लग्जरी चीज नहीं देंगे। इसके अनुसार ये कहता है कि अगर हम लग्जरी चीज प्रोवाइड कराएंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टी में से किसी भी मनी को रिकवर नहीं करा पाएंगे, हमें साबित करना होगा कि वो चीजें आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं। थर्ड चीज है जो आवश्यकता जो दे रहा है, जो व्यक्ति नीड्स की चीजें दे रहा है वो अपना क्या पाएगा, उस चीज को रिकवर पाने करने का हकदार होगा, वो भरपाई कराने के लिए हकदार होगा, वो उतनी मनी को रिकवर कर लेगा जितनी उसने खर्च की है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति को जो हम इसको लाइफ की नेसेसिटी चीजें दे रहे हैं, उसकी पर्सनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, केवल और केवल उसकी प्रॉपर्टी से हम उतनी मनी को रिकवर कर सकते हैं जितनी हमने उसके ऊपर खर्च की थी। यहाँ पर उसका कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 68 आपने पढ़ा और देखा कि हम केवल नेसेसिटी चीजें अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ही हम मनी क्या कर सकते हैं, उस मनी को उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेंगे, अदरवाइज लग्जरी चीजों को अगर हम देंगे तो कभी भी हम रिकवर करने के एंटाइटल्ड नहीं होंगे। अब आपको सेक्शन 68 के बाद सेक्शन 69 डिस्कस करने जा रहे हैं, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सेक्शन 69 कहता है कि जो व्यक्ति उस धन की देनगी के लिए हितबद्ध है जिसको देने के लिए दूसरा व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य है, और जो उसकी देनगी करता है उसे अन्न द्वारा भरपाई पाने का हकदार होता है। इसका मतलब पहली चीज हम आपको बता दें कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बताएंगे ताकि आपको ये लीगल शब्द सबको समझ में आ जाए। मान लीजिए ए एक जमीन पर लीज देता है, एक जमीन लीज पर देता है किसको, बी को, पट्टे पर दे देता है। और जब जमीन ए लीज पर बी को दे रहा है तो बी तो अपना पूरा पैसा दे देता है कि भाई जब हमने जमीन पट्टे पे ली, जो भी कंडीशन ए ने रखी वो बी ने फॉलो कर ली, लेकिन अब उस लीज पर रेवेन्यू बाकी है, राजस्व कर बाकी है, कोई कर बाकी है, कोई टैक्स बाकी है, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस जमीन को अपने में अंडर ले लेती है। इस जमीन को कौन ले लेती है, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है। ऐसी स्थिति में अब बी को जो भी नुकसान होगा, बी तो बी क्योंकि बी ने पैसा भी दिया और जमीन भी चली गई, तो बी को जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को पूरा कौन करेगा, ए पूरा करेगा, क्योंकि यहां पर वो क्या होगा, पूरी तरीके से ए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी के प्रति क्या है, हमारा किसी के प्रति इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के लिए लॉ हमें बाइंड करता है, हमें बाध्य करता है कि हमें देना ही होगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम उस मनी को रिटर्न करने के लिए बाइंड माने जाएंगे। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने समझा कि कैसे कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। 69 के बाद अब आपको मैं सेक्शन 70 डिस्कस करने जा रही हूँ। सेक्शन 70 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, निशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का आभार। ऐसा काम जो हमारा ऑब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था करने का और काम हो गया है तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने का, तो उस व्यक्ति को उतना धन देना पड़ेगा जितना धन उसने इस्तेमाल हमारा किया है या कोई सामान इस्तेमाल किया है। इसके लिए सेक्शन 70 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो यहां पर हम क्या होंगे, हकदार हो जाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति से रिकवरी ले लेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य विधि पूर्ण करता है, इसका मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम कैसा कर रहा है, लॉफुली कर रहा है या कोई चीज उसको डिलीवर्ड कर रहा है, परिदान कर रहा है। हमारा आशय निशुल्क काम करने का नहीं है, इसका मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। सेकेंड पर्सन उसका प्रॉफिट उठा रहा है, दूसरा व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है। अगर हम ये तीनों बातें वादी, अगर हम तीनों बातें मतलब वादी, अगर ये तीनों बातें वादित साबित कर देता है तो सामने वाले व्यक्ति को भरपाई करनी होगी, पूरा का पूरा कंपनसेशन
देना होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। ए एक मर्चेंट है और वो अपना सामान बी के घर पे भूल जाता है। ए एक मर्चेंट है, व्यापारी है और अपना सामान बी के घर पे भूल जाता है। बी उस सामान को अपना सामान समझकर इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पर ए का काम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट करने का नहीं था। बी को जो सामान या उसने इस्तेमाल किया है वो सामान या उतनी मनी किसको देनी पड़ेगी? ए को कंपनसेट करनी पड़ेगी। पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। इसी का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। ए के घर में आग लग जाती है, ए के घर में आग लग जाती है और ए ने कुछ भी नहीं कहा। बी अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निशुल्क, नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, नॉन ग्रेटिटियस का मतलब होता है निशुल्क का, वो अपने आप आता है, उसको बुलाया भी नहीं गया, वो अपने आप आ रहा है और आग बुझाने का प्रयास कर रहा है और आग बुझाने के बाद कहता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बी को किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जाएगा। ए ने उससे नहीं कहा था कि आग को बुझाए और ना ही परिस्थितियां भी ये बता रही थी कि वो काम कैसे कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, निशुल्क काम कर रहा है। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी तरीके की मनी रिकवर करे। तो ए यहाँ पर किसी भी तरीके को कंपनसेट करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 70 पे आपको एक इम्पोर्टेंट केस भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि एक तालाब था गांव का, उस तालाब की मरम्मत किसने करवा दी? सरकार ने मरम्मत करवाई, गवर्नमेंट ने मरम्मत करवाई और उस तालाब की रिपेयरिंग कराने का केवल एक ऑब्जेक्ट था कि 11 गांव की सिंचाई इस तालाब के द्वारा होनी थी, कि 11 गांव को यहां से सिंचाई का पानी मिलना था। लेकिन कुछ गांव के जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, इसका पर्सनल फायदा उठाया अपने लिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया कि उनका काम कोई निशुल्क काम करने का नहीं था। तो जितना भी लैंडलॉर्ड ने यूज किया है वो उतना बाउंड है, वो अपना ग्रांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंशन किसी भी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने का नहीं था। तो लैंडलॉर्ड को रिस्पॉन्सिबल माना गया, वो उतना ग्रांट देंगे जितना उन्होंने उस तालाब से पानी को खर्च किया था। अब देखिए, अब आपको जो सेक्शन 71 पढ़ाने जा रहे हैं, 71 में दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, वस्तुओं को पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। तो यहाँ कहता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को पाता है और अपने कस्टडी में लेता है तो उसकी ड्यूटी बेली के समान हो जाती है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेली क्या है, बेलर क्या है, तो आपको इस सेक्शन को 71 को हम थोड़ा सा कनेक्ट करते रहे 148 से। 148 में बताया गया है कि बेलमेंट क्या होता है। अगर कोई महत्व सार्वजनिक महत्व की विषय वस्तु है, इस सार्वजनिक बात का कहेंगे पब्लिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि बेलमेंट क्या होता है, उपनिधान क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 148 में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं गाड़ी रिपेयर करने जाती हूँ, रिपेयर करती हूँ और मेरी सर्विस सेंटर है और कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसकी गाड़ी है, तो जो व्यक्ति ओनर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति मालिक होता है उसे क्या कहते हैं? बेलर। जो व्यक्ति मालिक होता है उसे क्या कहते हैं? बेलर। और जो अपनी कस्टडी में उस सामान को लेता है उसे क्या कहते हैं? बेली। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेलर की गाड़ी थी और बेली के सर्विस सेंटर में वो ले गया, तो जब बेली के सर्विस सेंटर में ले गया तो उस दोनों की रिलेशन को क्या कहते हैं? बेलमेंट का रिलेशन कहते हैं, उपनिधान का संबंध कहते हैं। जैसे ही बेलर की गाड़ी बेली ने अपनी कस्टडी में ली तो जब वो गाड़ी सर्विस हो जाएगी तो बेली उसे वापस कर देगा। उसमें कंडीशंस लगी होंगी, कंडीशंस क्या लगी होंगी कि वो जितना पैसा उसने खर्च किया होगा सर्विस में उतना पैसा वो बेलर से ले लेगा। जब तक बेलर पैसा नहीं देगा बेली उस चीज पर क्या कर सकता है? अपना पजेशन या कब्जा बनाए रख सकता है। यहाँ पर बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली, अब आप बेली का मतलब समझ गए हैं, तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर वो किसी चीज को पड़ी हुई पाता है, अगर हम किसी चीज को पड़ा हुआ पाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बेली के समान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज की उचित से उचित देखभाल करेंगे, मतलब जो चीज हम मिली है हम उसे रीजनेबल प्रॉपर केयर के साथ रखेंगे। हम जिसकी वस्तु है उसको लौटाने की हमारी ड्यूटी है, कि हमारा कर्तव्य है कि हम उस वस्तु को लौटा देंगे। जो बेलमेंट की चीजें हैं हम उनको सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज करेंगे
और अपनी वस्तुओं के साथ दूसरे की वस्तुओं को मिलाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 155, 156, 157 बताया गया है कि चीजें अगर मान लीजिए बेलर ने 100 रुपए किलो के चावल दिए हैं तो बेली अपने 20 रुपए किलो चावल के साथ उन चीजों को नहीं मिलाएगा। अगर वो मिला देगा तो चावल को निकालने में जितना भी खर्चा आएगा वो कौन देगा? बेली देगा। इसीलिए उसकी ड्यूटी बताई गई है यहाँ पर कि वो अपनी चीजों के साथ बेलर की चीजों को किसी भी तरीके से मिक्स नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज बताई गई है कि अगर कोई वृद्धि, कोई अगर कोई बेलमेंट की ऐसी चीज दी गई है जिसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है या कोई प्रॉफिट हुआ है तो बेली उस प्रॉफिट को और उस इंक्रीजमेंट को भी वापस कर देगा। उदाहरण के लिए बेलर की जो अपनी गाय बेली के कब्जे में दे दी है और उस गाय के बेबी हो जाता है तो बेली की ड्यूटी है कि गाय के साथ उस बेबी को भी वापस कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा सेक्शन 71 में कि वस्तु पड़े पाने वाले का जो उत्तरदायित्व होता है वो उसको बेली को पूरा करना चाहिए। सेक्शन 71 को मैंने 148 से जोड़ा और कई आगे के सेक्शन से जोड़ते हुए आपको बताया और बेलमेंट की डेफिनेशन भी बताई। सेक्शन 71 के बाद आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेक्शन 72, मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक ऑफ कोअर्सन। अगर भूल या उत्पीड़न के अधीन धन दिया जाता है, वस्तुएं प्रदत्त की जाती हैं तो क्या जिम्मेदारी होगी? इसका मतलब अगर हम किसी को मिस्टेक से या कोअर्सन के थ्रू हमसे कोई मनी को ले लेता है तो उस मनी को हमें वापस करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि ए और बी क्या है, दोनों में मिलकर 50-50 रुपए लिए सी से, तो टोटल कितने हो गए? 100 रुपए। और बी ने जाकर सी को पूरे 100 रुपए पे कर दिए और ए को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि बी ने 100 रुपए दे दिए हैं उसके भी और मेरे भी, क्योंकि जॉइंटली इन्होंने लिए थे, दोनों साथ में गए थे तो बी ने पे कर दिए दोनों के। अब ए को जब इस बात की जानकारी नहीं थी, ए भी गया और उसको 100 रुपए सी को और पे कर देता है। ये मनी कैसे दी गई है? भूल के कारण दी गई, मिस्टेक के कारण दी गई, जिसका ए को जानकारी नहीं थी। तो ऐसी मनी को सी वापस करने के लिए पूरी तरीके से बाइंड है, उसको वापस करना होगा। तो ये आपने एग्जांपल देखा कि अगर हम कोई मनी या कोई सामान किसी से कोअर्सन के थ्रू या मिस्टेक के थ्रू ले लेते हैं तो उस सामान को या उस मनी को लॉ कहता है कि हमें वापस करना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 68 से लेके 72 तक रिलेटेड है जिसमें हम बिना एग्रीमेंट के भी दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। आज आपने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और आगे आपके जो भी आपके सजेशन हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप उस टॉपिक को कितना समझ पाए हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके शेयर करने से उन लोगों को भी फायदा होगा जिनको वास्तव में टॉपिक की जानकारी नहीं। तो प्लीज शेयर करने में आप कोई कंजूसी नहीं करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।